डियर स्टूडेंट जय गुरुदेव। श्री गुरु कृपा सीनियर सेकेंडरी स्कूल रायपुर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th मैथ्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो त्रिकोणमितीय अनुपात एक्सरसाइज 6.1 पार्ट 1 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में कक्षा 9 में भी पढ़ा है, आपने पढ़ा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 प्रकार के होते हैं, जिनके नाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो त्रिकोणमितीय अनुपात, और त्रिकोणमितीय अनुपात जो है आपने क्लास 9th में जो पढ़ा है उसके बारे में बात करेंगे हम यहाँ पर। तो आपने 9th क्लास में आपने पढ़ा है कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो 6 प्रकार के होते हैं। पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है आपके कॉस थीटा, तीसरा होता है आपके टेन थीटा COS, चौथा है कॉट थीटा, पांचवा है आपके सेक थीटा और छठा है कॉस सेक थीटा। ये 6 प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपात आपने कक्षा 9 में पढ़े हैं। आपने ये भी पढ़ा कि ये जो अनुपात होते हैं वो समकोण त्रिभुज, कैसे त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज होता है, जिसका नाम दे देते हैं हम समकोण त्रिभुज ABC, जिसका कोण B समकोण है। आपने पढ़ा है कि समकोण के सामने वाली भुजा को बोलते हैं कर्ण, समकोण के सामने भुजा को कर्ण बोलते हैं, और दो कोण बचते हैं उनमें से एक कोण ले लेते हैं, मान लिया अज्ञात कोण थीटा यहाँ पर है, तो थीटा के सामने वाली भुजा अज्ञात कोण के सामने वाली भुजा कहलाती है लंब, और बची हुई भुजा कहलाती है आधार। ये आपने कक्षा 9 में पढ़ा है। तो यहाँ समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, एक भुजा है आधार, कर्ण और लंब। तीनों भुजाओं में अनुपात 6 प्रकार के अनुपात हो सकते हैं जो आपने पढ़ा है। पहला अनुपात मैं मान लेता हूं लंब बट्टा कर्ण, कौन सा अनुपात, लंब बट्टा कर्ण। दूसरा अनुपात मान लिया आधार बट्टा कर्ण, तीसरा अनुपात मान लिया लंब बट्टा आधार। ये तीनों ही अनुपात बिल्कुल अलग अलग है। अब और 3 अनुपात बन सकते हैं इनके उल्टे, तो इसका उल्टा लें पहले इसका हम, तो इसका उल्टा होता है आधार बट्टा लंब, सेकंड लास्ट का उल्टा होता है कर्ण बट्टा आधार, एंड लास्ट का उल्टा होता है कर्ण बट्टा लंब। तो इस प्रकार समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं को अनुपात के रूप में हम 6 प्रकार से लिख सकते हैं, और आपने इन अनुपात के जो नाम हैं वो त्रिकोणमितीय अनुपात से रिलेटेड किए थे आपने, कि लंब बट्टा कर्ण को नाम दिया था आपने साइन थीटा। क्या पढ़ते हैं इसको, सीन नहीं पढ़ गई, इसको पढ़ाएंगे साइन थीटा। दूसरा अनुपात को आपने नाम दिया था कॉस थीटा, तीसरा अनुपात को नाम दिया हमने टेन थीटा, चौथा जो उसका उल्टा था कॉट थीटा, और फिर ये जो था सेक थीटा, और लास्ट अनुपात को नाम दिया हमने कॉसेक थीटा। यह आपने 9th क्लास में पढ़ लिया है, कहाँ पढ़ लिया आपने, 9th क्लास में पढ़ा है। अब अगर इन सब अनुपातों को एक साथ लिखें, याद करने की दृष्टि से आसानी से याद हो जाए, इस प्रकार इन सबको हम एक साथ लिखें, तो देखिए पहले हम 3 अनुपात को लिखते हैं जो मूल अनुपात है। पहला अनुपात है लंब बट्टा कर्ण, दूसरा अनुपात है आधार बट्टा कर्ण, और तीसरा अनुपात है लंब बट्टा कर्ण। अगर ये 3 अनुपात याद है तो इन आगे के 3 अनुपात इनके बिल्कुल विलोम में इनके उल्टे हैं, तो इनको तीनों को अगर साथ पढ़े तो ये सब बनता है LAL लाल बट्टा कक्का, यह आधार आएगा कक्का, तो लाल बट्टा कक्का याद है अगर आपको, तो आप इसके 6 अनुपात लिख सकते हैं। तो लाल बट्टा कक्का से पहला अनुपात बनता है लंब बट्टा कर्ण,
कौन सा संपर्क बनता है? लंब बट्टा कर्ण। और लंब बट्टा कर्ण का देखो ये रहा सूत्र, क्या सूत्र पढ़ा हमने? लंब बट्टा कर्ण का सूत्र पढ़ा हमने साइन थीटा। तो आप एक सूत्र बना सकते हैं यहाँ से, साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बट्टा कर्ण। दूसरा है आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण को आपने पढ़ा है कॉस थीटा, तो यहाँ से एक सूत्र और बन जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बट्टा कर्ण। और नेक्स्ट है टेन थीटा, तो टेन थीटा का सूत्र बनेगा यहाँ पर लंब बट्टा आधार। अब आगे के इनके उल्टे हैं, आधार बट्टा लंब उल्टा नीचे से पढ़ेंगे आधार बट्टा लंब, तो ये सूत्र बनता है यहाँ पर आपके कॉट थीटा का। फिर कर्ण बट्टा आधार, ये सूत्र बनता है सेक थीटा का। और लास्ट में है कर्ण बट्टा लंब, और ये होया कॉसेक थीटा। ये सब आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा है, तो इसको हम याद रखने की दृष्टि से लाल का लिख कर इन सबके सूत्र लिख सकते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, इस प्रकार चलते हैं ये। और एक चीज़ और याद कर सकते हैं यहाँ से हम, कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, साइन का उल्टा कौन होता है? कॉसेक। इसी प्रकार कॉस का उल्टा होता है सेक, कौन होता है? सेक। और टेन का उल्टा होता है कॉट, टेन थीटा का सूत्र याद है तो उसको उल्टा कर दो कॉट बन जाएगा, कॉट का याद है तो उसको उल्टा कर दो टेन बन जाएगा, कॉस का याद है तो उल्टा करो सेक बनेगा, सेक का याद है तो उल्टा करो कॉस बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार साइन थीटा के सूत्र को उल्टा करने पर कॉसेक का सूत्र बन जाता है। यह तो आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा है। अब यहाँ पर हम समकोण त्रिभुज के ही कुछ मान लेंगे, समकोण त्रिभुज में 0 से 90 डिग्री के बीच के कुछ मान लेंगे हम, उनके मान पढ़ेंगे यहाँ पर कि इनके मान क्या होते हैं, इनकी वैल्यू क्या होती है। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम जो 10th क्लास का टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपके क्लास 10th का समकोण त्रिभुज के विशिष्ट कोण। जो कोण बहुत सारे होते हैं उनमें से कोण लेने में केवल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात, जो अभी हमने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े हैं साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, उनके मान हमें यहाँ पर याद रखने हैं, ज्ञात करने हैं। तो इनके मान कैसे बनते हैं, इसके मान बनाने के लिए हमें आपको तरीका बताएंगे, ट्रिक्स बताएंगे, जो ट्रिक्स आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइन थीटा की वैल्यू। अब साइन थीटा के मान क्या क्या होंगे, तो यह सारे मान एक साथ रखने के लिए हम यहाँ सारणी बना देते हैं। क्या बनाते हैं? सारणी बनाते हैं। सारणी क्या बनेगी देखो आप, इधर तुम्हारा आएंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। और इधर जो वैल्यू हमने विशिष्ट कोण लिए हैं वो कोण लेते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये वाले मान हमें देखिए, इनके मान ज्ञात करने के लिए हम आपको ट्रिक्स बताने वाले थे। तो सबसे पहले हम साइन के मान ज्ञात करने के लिए क्या बात करेंगे हम, आपको 0 डिग्री, 1, 2, 3, 4, 5 मान ज्ञात करने हैं, साइन थीटा के 5 वैल्यू ज्ञात करनी है। इसलिए हम साइन थीटा की 5 वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम 0 से लेकर 4 तक की काउंटिंग लिखेंगे, गिनती लिखेंगे 0, 1, 2, 3 एंड 4। साइन की वैल्यू ज्ञात करनी है हमें, इसलिए 0 से 4 तक की गिनती लिख दी। अब सभी में हमें 4 का भाग देना है, 4 का भाग, 4 का भाग, 4 का भाग, 4 का भाग और 4 का भाग। अगर ये आपस में कहीं कटते हैं, भाग लगाने के बाद सभी पदों का वर्गमूल ले लीजिए, क्या ले लीजिए? वर्गमूल। 3 स्टेप आपको याद रखने, फर्स्ट स्टेप 0 से 4 तक की गिनती लिख दो, सभी में 4 का भाग लगा दो, सभी का वर्गमूल ले लो, ले लिया वर्गमूल। अब इनको हल करते हैं, 0 में 4 का भाग देने से आएगा 0 का वर्गमूल, 1 में 4 का भाग नहीं जाता इसलिए ऐसे कैसे 1/4, 2 में 4 का भाग जाता है 2 एक बार 4 2 बार, तो √1/2, यह भाग नहीं जाएगा इसलिए ऐसे कैसे √3/4 और यह आ गया √1। अब
जीरो का वर्गमूल जीरो, कॉमा एक का वर्गमूल एक, चार का वर्गमूल दो, एक का वर्गमूल एक, दो का वर्गमूल नहीं जानते इसलिए वर्गमूल दो, तीन का वर्गमूल नहीं जानते इसलिए वर्गमूल तीन, चार का वर्गमूल दो, एक का वर्गमूल एक। इस प्रकार जो ये मान हमें प्राप्त हुए हैं, यह मान साइन के मान है। पहला मान साइन जीरो का, पहला मान किसका है? साइन जीरो का। पहला मान क्या? जीरो है, तो साइन जीरो का मान जीरो। दूसरा मान साइन तीस का एक बट्टा दो। तीसरा मान साइन पैंतालीस का एक बट्टा रूट दो। तीसरा मान रूट तीन बट्टा दो। चौथा मान साइन नब्बे का एक। समझ में आया आपको तरीका? साइन की वैल्यू निकालने का तरीका समझना आपको सबसे पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। साइन की वैल्यू निकालने का तरीका मैं वापस रिपीट करता हूँ। क्या करेंगे हम? सबसे पहले जीरो एक दो तीन चार, चार तक की गिनती लिखेंगे, जीरो से शुरू करेंगे, फिर सभी पदों में चार का भाग लगाएंगे, फिर सभी पदों का वर्गमूल लेंगे, राइट। अब इनको हल करेंगे। जीरो में चार का भाग दिया जीरो, एक में चार का भाग नहीं जाता एज इट इज, दो और चार कटते हैं एक बट्टा दो, रूट तीन और चार नहीं कटते हैं एज इट इज रूट वन। देन जीरो का वर्गमूल जीरो, एक का वर्गमूल एक, चार का वर्गमूल दो, एक का वर्गमूल एक, दो का वर्गमूल नहीं जानते वर्गमूल दो, तीन का वर्गमूल नहीं जानते वर्गमूल तीन, और चार का वर्गमूल दो, और एक का वर्गमूल एक। इस प्रकार ये जो वैल्यू आई है, यह वैल्यू साइन की वैल्यू है। जीरो पहली वैल्यू साइन जीरो की, दूसरी वैल्यू साइन तीस की, तीसरी वैल्यू साइन पैंतालीस की, चौथी वैल्यू साइन साठ की, और पांचवी वैल्यू जो है साइन नब्बे की है। तो इस प्रकार साइन जीरो का मान जीरो, साइन तीस का मान एक बट्टा दो, साइन पैंतालीस का मान एक बट्टा रूट दो, साइन साठ का मान रूट तीन बट्टा दो, और साइन नब्बे का मान एक। यह वह साइन की वैल्यू कंप्लीट। अब चलते हैं कॉस में। हम कॉस जो है, आपने पढ़े न्यून कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, तो आपने पढ़ा है कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन नब्बे माइनस थीटा। इसलिए कॉस की वैल्यू ज्ञात करने के लिए इस लाइन को उल्टा कर देंगे। लास्ट वाली वैल्यू आएगी फर्स्ट में, ये लास्ट वैल्यू वन थी, ये आगे सबसे आगे, सेकेंड लास्ट सेकेंड नंबर पर, थर्ड थर्ड पर, क्रम चेंज कर देना है वन अपॉइंट टू एंड जीरो। ये वैल्यू हो गई कॉस की। साइन की वैल्यू से ही कॉस की वैल्यू निकालनी है, क्रम बदल देना है, अंतिम को प्रथम बना देना है, इसी प्रकार क्रम को बदलते जाइए। तो कॉस जीरो की वैल्यू आ गई वन, कॉस तीस की वैल्यू आ गई रूट तीन बट्टा दो, कॉस पैंतालीस की वैल्यू वन अपॉन रूट दो, कॉस साठ की वैल्यू वन अपॉन टू, कॉस नब्बे की वैल्यू जीरो। कॉस की हो गई। अब हमें टेन की वैल्यू चाहिए। अब टेन की वैल्यू निकालने के लिए मैं यहां से जगह बना देता हूं समझाने के लिए आपको। टेन की वैल्यू के लिए वी नो, हम जानते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यह है आपने नाइन्थ क्लास पढ़ा है, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, मतलब साइन के मान में कॉस के मान का भाग देना है, तो टेन का वैल्यू आ जाएगी। तो साइन की वैल्यू हमारे पास में है, पहली वैल्यू है जीरो में एक का भाग देंगे, जीरो में किसी भी संख्या का भाग देने पर क्या आता है? जीरो। इसलिए टेन जीरो की वैल्यू जीरो। नेक्स्ट तीस का मान ज्ञात करने के लिए साइन की वैल्यू वन अपॉन टू में भाग देंगे वन, सॉरी रूट थ्री अपॉन टू का। अब भाग देने के लिए हर उल्टा हो जाएगा, वन अपॉन टू इंटू टू अपॉन रूट थ्री, इसको हर को उल्टा कर दिया, टू से टू कैंसिल इज इक्वल टू वन अपॉन रूट थ्री। तो ये आ गया वन अपॉन रूट थ्री। नेक्स्ट अगली वैल्यू याद करने के लिए वन अपॉन रूट टू में वन अपॉन रूट टू का भाग, दोनों संख्या बराबर इसलिए क्या आएगा वन। तो टेन पैंतालीस की वैल्यू आ गई वन। नेक्स्ट टेन साठ की वैल्यू याद करने के लिए हम क्या करेंगे, साइन साठ की वैल्यू में
कॉस 60 की वैल्यू का भाग देंगे, उल्टा हो जाएगा, रूट 3/2 इंटू 2/1, 2 से 2 कैंसिल इज इक्वल टू रूट 3, तो ये वैल्यू आ गई रूट 3। नेक्स्ट, 1 में 0 का भाग देना है, किसी भी संख्या में 0 का भाग देने पर अनंत प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, अनंत, और अनंत को लिखने का तरीका है 8 को लेटा दो, 8 को सुला दो, ये हो गया अनंत, जिसकी कोई मान नहीं होती, जिसकी कोई सीमा नहीं होती। अब कॉट की वैल्यू याद करनी है, 10 की तो आ गई, कॉट की याद करनी है, अभी हमने साइन की वैल्यू से कॉस की वैल्यू याद की है, ठीक इसी प्रकार हमें 10 की वैल्यू से कॉट की वैल्यू याद करनी है। क्या याद किया हमने, हमने साइन से कॉस याद किया, इसी प्रकार सूत्र होता है कॉट थीटा इज इक्वल टू 10 90 माइनस थीटा, यह सूत्र होता है, इसलिए हम 10 की वैल्यू को उल्टा कर देंगे, क्रम बदल देंगे, अंतिम को प्रथम बनाना है, अंतिम कौन है, अनंत, तो यहाँ आ जाएगा प्रथम, आएगा अनंत, सेकंड लास्ट आएगा सेकंड पर, बीच वाला अपनी जगह पर, सेकंड आएगा सेकंड लास्ट एंड फर्स्ट आएगा अंतिम, तो ये वैल्यू बन गई किसकी, कॉट थीटा की। अब वैल्यू चाहिए सेक की, तो सेक थीटा का सूत्र हम किससे संबंध जानते हैं, तो सेक का सूत्र हम कॉस से जानते हैं, क्या होता है, हम जानते हैं सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos θ, 1/cos θ, मतलब सेक की वैल्यू याद करने के लिए कॉस की वैल्यू को उल्टा कर दो, उल्टा करने का मतलब है हर को ले जाओ अंश में, अंश को ले जाओ हर में, कॉस को उल्टा करना, 1/cos करना, 1/cos करने का मतलब हो गया कॉस की जो वैल्यू है उसको उल्टा कर दो, उल्टा करने का मतलब हर को ले जाओ अंश में, अंश को लाओ हर में, तो सबसे पहले हम sec 0 की वैल्यू याद करने के लिए उल्टा करेंगे 1, cos 0 की वैल्यू 1 है तो 1 को उल्टा करने के लिए 1 के हर में 1 ही है, तो इसका उल्टा भी 1/1 ही आएगा और इसकी वैल्यू 1 ही आएगा, तो 1 का उल्टा 1 ही होता है। नेक्स्ट, cos 30 की वैल्यू है √3/2, इसको उल्टा करना है, क्या करना है, उल्टा, हर जाएगा अंश में तो ये उल्टा हो जाएगा 2/√3। नेक्स्ट, इसको उल्टा करना है तो √2/1, तो बट्टा एक लिखने की जरूरत नहीं है, इसको उल्टा करेंगे 2, इसको उल्टा करेंगे 0 का उल्टा, देखो 0 होता है तो इसके हर में कुछ भी संख्या हो सकती है, मान लिया 1 है, इसको उल्टा करेंगे तो 1/0 आएगा और हर में 0 आती है वो संख्या क्या बन जाती है, अनंत, इसलिए 0 का उल्टा होता है अनंत। ये वैल्यू आ गई sec की, और sec की वैल्यू याद करने के दो तरीके हैं, एक तरीका तो है sec की वैल्यू का क्रम बदल दो, अंतिम को प्रथम, प्रथम को अंतिम, दूसरा तरीका sin की वैल्यू को उल्टा कर दो, हर को अंश में ले जाओ और अंश को हर में ले जाओ, तो हम यहाँ क्या करेंगे, आसान तरीका है sec की वैल्यू का, तो ये सारणी बनाने की तरीका हमने सीख लिया है, अब आपको इस वीडियो को बार बार देखकर इस सारणी को आपको बार बार बनाना है, रफ कॉपी में अभ्यास करना है, तब जाकर आप इस सारणी को बनाने का तरीका सीख पाएंगे, जब तरीका सीख लेंगे तो हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे, और दिए गए प्रश्न को हल करेंगे तो हमें इस सारणी की वैल्यू याद हो जाएगी, फिर आपको बार बार सारणी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर याद कब होगी, जब हम प्रश्न के प्रश्न करेंगे, बार बार प्रश्नों को हल करेंगे, अभ्यास करेंगे, तब जाके हमें वैल्यू याद हो जाएगी, और जब याद हो जाएगी उस समय हमें फिर इसको बार बार सारणी बनाने की जरूरत नहीं रहेगी, पर अभी आपको सारणी की जरूरत है। तो अब हम चलते हैं आगे प्रश्नावली 6.1 में, ये मैंने सिखाया आपको वैल्यू याद करना, 6.1 में चलते हैं और उसके कुछ प्रश्न करने का प्रयास करते हैं, अभ्यास करते हैं। एक्सरसाइज 6.1 के प्रश्न 1 से 4 तक के सामने हैं, हम पहला प्रश्न करेंगे, पहला प्रश्न क्या है, निम्न के मान ज्ञात कीजिए, तो फर्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, फर्स्ट प्रश्न दिया है हमें 2 sin 45 इंटू cos 45
मान रखते हैं हम इसके अंदर 2 sin 45। अब साइन 45 का मान हमें सारणी से लेना है। कहाँ से लेना है? सारणी से। देखो सारणी में साइन 45 कहाँ है? साइन वाली लाइन में चलेंगे, साइन और 45 कहाँ है? ये रहा, तो साइन के सामने और 45 के नीचे, ये जो वैल्यू है वो साइन 45 की है। तो ये वैल्यू कितनी है? 1/√2। तो या इंटू 1/√2, फिर इंटू कॉस 45, कॉस के सामने 45, ये भी 1/√2। आगे चलते हल करते हैं इसको। 2 × 1 का गुणा 1 से 1 एंड √2 का √2 से गुणा कर दिया जाएगा 2। अगेन 2 से 2 कैंसिल इज इक्वल टू 1। यही इस प्रश्न का आंसर है। बिल्कुल आसान प्रश्न है, समझ में आ गया होगा आपको। अब करते हैं भैया सेकंड प्रश्न हल करने का प्रयास करते हैं हम। सेकंड प्रश्न क्या है? cos 45 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री। अब इन सब की वैल्यू हमें साड़ी से रखनी है। यहाँ फर्स्ट वैल्यू किसकी है? cos 45, cos के सामने 45, ये रहा 1/√2, 1/√2 इंटू cos 60, cos 60 की वैल्यू है 1/2 माइनस साइन 45 की वैल्यू है 1/√2 और साइन 60 की वैल्यू सारणी में है 3/2 इंटू √3/2। ये सारे मान कहाँ से रखने हैं? हमें सारणी से रखने हैं। cos 45 की मान cos के सामने 45 के नीचे, cos के सामने 60 के नीचे, साइन के सामने 45 के नीचे और साइन के सामने 60 के नीचे। हल करते हैं आगे। 1 का गुणा 1 से 1, √2 का 2 से गुणा करेंगे तो 2√2 ये गुणा हो गया, क्योंकि रूट काली रूट वाली संख्या से गुणा होगी, एक पर रूट है दूसरे पर नहीं है तो ये गुणा नहीं होगी, ऐसे लिखा जाएगा माइनस √3/2√2। दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आया आपके सामने? दोनों पद सेम है तो एलसीएम भी आएगा 2√2। हल करेंगे तो यहाँ भाग 1/1 से का गुणा 1 से 1 माइनस √3, फिर अंश व हर में गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे? हमें यहाँ से परिमेयकरण करना है, हर में परिमेय अपरिमेय संख्या नहीं रखनी है तो इसका हमें परिमेयकरण करना है। तो √2 का अंश व हर में गुणा करने पर तो गुणा करते हैं तो क्या आएगा? इज इक्वल टू 1-√3/√2 इंटू √2/√2 इज इक्वल टू 1-√3/√2 और √2 का गुणा √2 से करेंगे जाएगा 2, तो इनका गुणा क्या हो जाएगा? 4। तो इस लास्ट स्टेप में यहाँ लिख देता हूँ क्या आएगा? इज इक्वल टू 1-√3/√2/4। यही प्रश्न का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 cos² 45 डिग्री प्लस 3 tan² 60 डिग्री। इन सबके सारणी से मान रखते हैं तो साइन 30 की वैल्यू लेनी है हमें। तो साइन 30 की वैल्यू साइन के सामने 30, 1/2 का स्क्वायर, कहाँ सा स्क्वायर? ये स्क्वायर यहाँ ऊपर लग जाएगा, प्लस 2 cos 45, cos के सामने 45, 1/√2 का स्क्वायर प्लस 3 tan 60, tan के सामने 60 वैल्यू आएगी √3 का स्क्वायर। मान रखेंगे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 × 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2 प्लस 3 × √3 का स्क्वायर 3। अगेन 1/4, 2 से 2 कैंसिल प्लस 1 प्लस 3 का गुणा 3 से 9। आगे बढ़े 1/4 प्लस 10, एलसीएम लें 10 के अपॉन 1 लिखते हैं हम, दोनों का एलसीएम आएगा 1। हल किया, सॉरी एलसीएम आएगा 4, हल किया 4 का भाग 4 में 1 × 1 का गुणा 1 से 1 प्लस 1 × 4 × 4 × 10 से 40 इज इक्वल टू 41/4। यही इस प्रश्न का
आंसर है। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। नेक्स्ट फोर्थ प्रश्न है इसका, 3 sin 60। 3 sin 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू √3/2, √3/2 -4 साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू भी √3/2, √3/2 का होल क्यूब। हल करें इसको तो क्या आएगा, इज इक्वल टू 3√3/2 -4। अब √3 का क्यूब है, 3 बार गुणा करना √3 का, क्या हो गया √3 × √3 × √3। तो देखो √3 का √3 से गुणा करेंगे तो आएगा 3 × √3/2 का क्यूब 8। हल करें 4 के पहाड़े से 1 बार, 4 के पहाड़े से 2 बार। अब हम दोनों का एलसीएम लें, 2 और 2 का एलसीएम आएगा 2। हल करें तो 3√3 − 3√3 दोनों सेम हो गए, और दोनों सेम है इसलिए क्या हो गया, 0/2 = 0। यही इस प्रश्न का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5। 5 cos² 60 + 4 sin² 30 + 10² 45। 60 से मान रखेंगे तो इज इक्वल टू 5। cos 60 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 साइन 30 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर प्लस 10 45। तो 10 45 की वैल्यू है 1, साड़ी से ध्यान रखें आप, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, 1 का 1, 2 का 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1। नेक्स्ट इज इक्वल टू 5/4 प्लस 4 से 4 कैंसिल 1 + 1। 5/4 + 2/1 एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम 4, देन 5 + 4 × 2 = 8 इज इक्वल टू 13/4। यही इस प्रश्न का आंसर है। मान रख रहे हैं आपको सारणी से, सारणी ढंग से बनाना सीख लें। जब बार बार आप मान रखेंगे सारणी से तो आपको क्या हो जाएगा, हल करने में आसानी रहेगी, याद हो जाएगा। वैल्यू लिखते हैं इसके अंदर। 6th प्रश्न, 4 cot² 45। तो इज इक्वल टू 4। कोट 45 की वैल्यू क्या है, कोट 45, कोट के सामने 45 के नीचे 1, ये आएगा 1 का स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर 60। तो sec 60, sec के सामने 60 की वैल्यू 2, और यह स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर प्लस साइन 60। तो हमने साड़ी से वैल्यू रखी सबकी, कॉट 45 की 1, sec 60 की 2, साइन 60 की √3/2 और cos 90 की 0। अब इसको हल करते हैं, 4, 1 का वर्ग 1 माइनस 2 का वर्ग 4 प्लस √3 का वर्ग 3 एंड 2 का वर्ग 4 प्लस 0 का वर्ग 0। अब आगे हल करते हैं, 4 − 4 + 3/4। 4 प्लस का 4 माइनस का कैंसिल इज इक्वल टू 3/4। यही इस प्रश्न का आंसर है। अब आज की क्लास यहीं तक रखेंगे हम। आज आप क्या करेंगे, सबसे महत्वपूर्ण काम है आज इस सारणी को बार बार बनाकर रफ कॉपी में अभ्यास करना है आपको। इस सारणी पर आगे की कई प्रश्नावलियों के प्रश्न काम आएंगे। यह सारणी आपके कई प्रश्नावलियों में काम आने वाली है, इसलिए इस सारणी को बनाना आप ढंग से सीख लें। तरीका मैंने आपको बताया है, बार बार रिपीट किया है, उसको आप बार बार देखकर समझकर अभ्यास करें, जिससे कि आने वाले सभी प्रश्न हम आसानी से कर पाए, और इससे संबंधित जो उदाहरण भी दे रखे हैं आपको, उदाहरण भी करना है। थैंक्स।